बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आयशा नास, मेरे साथ मौजूद है शिफा अब्बासी। शिफा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, आपको डिसेबिलिटी कब हुई और आप डिसेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को कैसे सरवाइव कर रही हैं। मेरा नाम शफा है और मेरी डिसेबिलिटी स्पाइना बाइफिडा है। बाय बर्थ मैं डिसेबल हूँ और इसमें यह होता है कि हमारे जो नीचे का पार्ट है उसमें सेंसेशन नहीं होती और यूरिन स्टूल का पता नहीं चलता। तो और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। और मैं 8 क्लास तक मैंने स्कूल में तालीम हासिल की है और फिर उसके बाद जो है वही एक्सेप्टेंस का मसला होता है कि आपको ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए बिल्कुल यही डिसेबल। है। तो तो मैं फिर 8 क्लास एक तक पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता। जी, और बस यही था कि मैं 8 क्लास तक स्कूल बहुत मुश्किल जाती रही। मेरे साथ यही कुछ इश्यूज चलते रहे और मैं मतलब बहुत शर्मिंदगी भी होती रही मेरे साथ जो इश्यूज शिफा, थे। किस चीज की शर्मिंदगी? मतलब अगर आप जाती थी, आपने अपने आप को मनवाना था, आपको शौक था पढ़ने का, तो फिर शर्मिंदगी किस चीज की थी बताएंगे आप? यही जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन स्टूल का प्रॉब्लम होता था मेरे साथ, तो मतलब यूरिन स्टूल का जो है वो सेंसेशन नहीं थी, नहीं मैनेजमेंट नहीं थी। नहीं तो इस वजह से बच्चे जो है मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैं फिर मैंने 8 क्लास तक बड़ी मुश्किल तालीम हासिल की। फिर मैंने घर बैठ गई तो मैंने कहा कि मैं अब ना घर से बाहर निकलूंगी ना स्कूल जाऊंगी। तो फिर मैं काफी टाइम तक घर पे मैं रही। जब कोई मेहमान आता था, कोई भी आता था, मैं मिलती नहीं थी घर में। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, बिल्कुल किसी से मिलती नहीं थी। तो काफी साल मैं जाया हुए हैं और काफी रह गए। तो फिर मैं मेरी अम्मी जो है यहाँ पे DWA में आई, उन्होंने सर जावेद से बात की। तो फिर मैं यहाँ पे आई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आती हूँ। मैंने यहाँ पे सब लोगों को भी चेयर देखा, काम करते हुए देखा। तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ी, मेरा हौसला बढ़ा एक्सेप्टेंस आई। जी। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे सबको देखा और फिर मेरी जो तालीम अधूरी रह गई थी वो भी मैंने जारी रखी। यहाँ अलाम आने के इकबाल बाद आपने दोबारा से स्टार्ट जी, किया। मैंने यहाँ पे सब में घुल मिल गई। पहले नहीं होता था मेरे साथ ऐसा, मैं बिल्कुल ही घर पड़ी रहती थी। तो फिर मैं यहाँ पे आई, उसके बाद मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। मैं यहाँ पे आना शुरू हुई। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आती हूँ, 1 साल हो गया। अब मुझे 2 साल होने वाले हैं यहाँ अच्छा, पे तो आए हुए। यहाँ अभी आप कहाँ, कितना पढ़ चुके हैं, मतलब आप मैं कौन सी क्लास में हैं आप? अब मैं मैट्रिक कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। अभी माशाल्लाह, मेरा आखिरी सेमेस्टर रहता है, मैं अभी तक वो ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ जी। और इसके अलावा यहाँ पर क्या एक्टिविटीज हैं यहाँ आपकी? पे मैं कंप्यूटर लैब में जाती हूँ, कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। मैंने वर्ड किया, एक्सेल किया और अब मैं जो है फोटोशॉप की तरफ आ रही हूँ वो जबरदस्त जबरदस्त, जी। बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये आपकी। और सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि मतलब आपने आप खुद को, अपने आप को एक्सेप्ट किया, जी अपने आप को मैनेज करना सीखा, यूरिन स्टूल के मैनेजमेंट सीखी। सबसे मेन जी चीज ये होती है कि जी आपने माशरे के अंदर कदम रख लिया है। अब जी सिर्फ आपने अपने आप को प्रूव करना है अपनी सलाहियतों से। तो मैं जी आपसे यही कहना चाहूंगी कि इंसान जो है वो, उसके पास जो सलाहियतें हैं ना, उसको उभारे, उसको बाहर लेकर आए, ताकि वो अपनी जो उसकी डिसेबिलिटी होती है वो एक जगह है, लेकिन जो उसकी एबिलिटीज है उनको यूटिलाइज करके माशरे में अपना किरदार अदा कर सकता है। आप जी क्या मैसेज देना चाहेंगी माशरे को, के कोई एक ऐसा मैसेज जिससे आपको लगे कि शायद कोई चेंज आ सके? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि डिसेबल होना कोई बुरी बात नहीं होती है। मैं ये चाहती हूँ कि माशरा जो है डिसेबल पर्सन्स को एक्सेप्ट करे और हमें माजूर ना समझे। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम माजूर जरूर हैं, मजबूर नहीं है। हम चाहते हैं कि माशरा हमें एक्सेप्ट करे ताकि हम जो आगे आने वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए अच्छा किरदार अदा कर सकें, अच्छा रोल अदा कर सकें। बहुत ज़बरदस्त, आपका मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से आपके आपकी जो लगन है इसको इसी तरह से आगे लेकर चलें, ताकि दूसरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो आपको रोल मॉडल समझें और आपको देखकर जिंदगी में आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया जी। शिफा अब्बासी।